नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन 8067 पोस्ट पे न्यू वैकेंसी के बारे में। साथ ही ये भी बताएंगे दोस्तों कि 4 अप्रैल को जो बैठक रखी गई थी सम्राट चौधरी पंचायती राज विभाग की तरफ से, उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए थे, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे दोस्तों। साथ ही ये बताएंगे कि आज के दिन में जिसका ज्वाइनिंग लेटर आया है, कौन कौन सा विभाग में ज्वाइनिंग लेटर आया है, उसमें किसका किसका नाम है, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। साथ ही ये बताएंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको पिछले वीडियो हम बताए थे कि न्यू रजिस्ट्रेशन अप्रैल और मई में देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सपना अब लगता है कि साकार होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सो फाइनली मैं यहाँ पे लिस्ट पे आ गया हूँ, ठीक है दोस्तों। 4 अप्रैल का जो बैठक हुआ था उसमें कौन कौन सा निर्णय लिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बताया गया है दोस्तों। सबसे ऊपर में है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निर्देशक पंचायती राज विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में विभागीय साप्ताहिक समीक्षा है, तो दिनांक 4/4/2022 को आयोजित बैठक। दोस्तों आपको बता दो, ये 4 अप्रैल को बैठक ली गई थी और इसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए थे। साथ ही ये भी बताएंगे दोस्तों कि कितने पंचायत भवन अभी तक में निर्माण हो गए, क्योंकि आपको 8067 कार्यपालक सहायिका की जो भर्ती होगी दोस्तों, आपको हर एक पंचायत में दो दो कार्यपालक की नियुक्ति होगी, और वो नियुक्ति जो होगा दोस्तों उसको काम कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, तो वो पंचायत भवन पे मिलेगा। इसलिए आपको पंचायत भवन भी देखना है कि अभी तक में कितने पंचायत भवन बन गए हैं और कितने अभी बाकी है बनने को। तो चलिए हम उसे आगे पढ़ लेते हैं। उक्त बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित है। सबसे पहले मोहम्मद बलाउद्दीन संयुक्त सचिव, उसके बाद श्रीमती कल्पना कुमारी अनुसरण पदाधिकारी, सुश्री विनीता विशेष कार्य पदाधिकारी, ये सारे मतलब जो भी बड़े बड़े अधिकारी सब थे, ये सब भाग लिए थे इस बैठक में दोस्तों। इसमें क्या निर्णय लिए गए वो हम पढ़ के बताते हैं, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लीजिए, पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा संचालित योजना एवं विभिन्न शाखाओं से संबंधित सचिकाओं की अध्ययन स्थिति पर विश्लेषण किया गया एवं निम्न निर्णय के लिए किया गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको कार्य दिया गया दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे वर्क दिया है उसका, उसके बाद उसमें वर्क के लिए कौन सा निर्णय लिया गया है वो निर्णय यहाँ पे बताया गया है। जैसे 8067 पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पे क्या बताया है, इस साइड में आपको उसके बारे में बताया गया है, और यहाँ पे इस साइड में दिया गया है कि वो कब तक में निकलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन। इस साइड आपको सवाल है और इस साइड जवाब है आपका। चलिए हम पढ़ के सुना लेते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एक नंबर में लिपिकों की व्यवस्था है, तो 8795 पदों का सृजन पर प्रशासनिक पदवर समिति की अस्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपस्थित किया गया था। ये सब मतलब जितने भी पास आउट कैंडिडेट उन सब के लिए है। तो चलिए हम काम की बात कर लेते हैं कि न्यू वैकेंसी कब तक में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सबसे नीचे में है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है जो पास आउट कैंडिडेट है उसके लिए भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया है पंचायत सचिवों के रिक्त पदों को भरने की स्थिति की समीक्षा एवं अवशेष रिक्त हेतु अधियाचना का प्रेषण। अभी याचना मतलब जो पास आउट कैंडिडेट है उसका अभियाचना कब तक में हो जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग कब तक में हो जाएगा, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक के रिक्त पदों के भरने हैं, तो मतलब जो पास आउट कैंडिडेट है उसको मतलब ज्वाइनिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, जिला स्तर पर रिक्त संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पदों पर जिले से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध 253 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन के प्रांक इतना इतना दिनांक 13/1/2022 के जिलों को, मतलब आपको दोस्तों ये बताया है कि अगर आपके जिले में सीट खाली है तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट ज्वाइनिंग मिल सकता है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक मतलब न्यू जो निकलने वाला 8067 के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक डीओ के स्थानांतरण के संबंध में श्री शरद कुमार इतना को उक्त से संबंधित भी तैयार का निर्देश दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो अभी बेल्ट्रॉन के कार्यरत मतलब कार्यरत एम्प्लॉय जो है उसको अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं कहीं दूसरे जगह, तो उसके बारे में भी बताया गया है कि आप अगर एक दूसरे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने पोस्ट को, तो उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा गया है दोस्तों। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यपालक सहायक का अतिरिक्त पद पर सृजन कर संविदा के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही, मतलब कब तक में आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगा वो इसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में देखिए क्या बोला गया है कि संविदा के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर अतिरिक्त कार्यपालक सहायक के नियोजन हेतु बजट पर सभा के गंतव्य के आलोक में
राज्य योजना मद से लोक वित्त समिति का संलिप्त तैयार कर प्रस्तुत की कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दो कि ये जो 8067 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति होने वाली है वो बेल्ट्रॉन की तरफ से 8067 पे जो न्यू वैकेंसी देखने को आपको मिलेगा उसके लिए दोस्तों आपको बता दो कि वित्त समिति का सेल तैयार कर प्रस्तुत कर दिया गया, मतलब इसका जो है हरी झंडी मिल गया है दोस्तों। ये आपको कभी भी रिलीज कर सकता है अप्रैल या मई, हो सकता है जो सितंबर में, तो आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों आपको सितंबर तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अप्रैल और मई में देखने को मिल सकता है ये वैकेंसी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि अभी तक में कितने पंचायत भवन बन गए हैं और कितने अभी बाकी है। तो चलिए यहाँ पर बताया गया है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा, यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले है स्वीकृत लक्ष्य के विरुद्ध कुल 1483 पंचायत सरकार भवन का कार्य पूर्ण। दोस्तों आपको बता दूँ 1483 पंचायत सरकार भवन का कार्य पूर्ण है, शेष पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु स्थल का चयन करने हेतु पत्र दोस्तों आपको आगे जो बनेगा उसके लिए जगह का चयन कर रहा है और वहां पे किस तरह से बनेंगे उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद यहां पे देखिए दिनांक 21/2/2022 को बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में कलेक्टर के प्रावधान को शिथिल करने हेतु संक्षिप्त प्रस्ताव गया है। आगे क्या बताया गया वो देख लेते दोस्तों। यहाँ के बाद देखिए पंचायत आम निर्वाचन, इसके बारे में दिया गया बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। तो फिलहाल नए बेल्ट्रॉन जो नियुक्ति होगी उसके बारे में भी दिया गया है, तो उसको हम पहले ही आपको बता दिए कि ये जो बजट आपकी जो है तैयार की ये बजट है की जो है हरी झंडी मिल चुकी है दोस्तों, ये कभी भी रिलीज कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जितने भी पास आउट कैंडिडेट है 2015 से जितने भी बचे हुए हैं वो थोड़ा बहुत विरोध कर लेते हैं, इसलिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन देखने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, इसलिए दोस्तों आपको वेट करना है। उसके बाद ये आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि जो पास आउट कैंडिडेट है उसका आप याचना किस तरह से आपको प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप कहीं पर अगर आप याचना अगर देना चाह रहे हैं आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और उस पोस्ट पर अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक अभियाचना पत्र भेजना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है सेवा में श्रीमान अपना नाम पोस्ट कर देंगे, उसके बाद विषय कंप्यूटर ऑपरेटर के योगदान के संबंध में, उसके बाद महासचिव निवेदन है कि यह बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना के प्राप्तांक, मतलब आपका जो भी प्राप्तांक संख्या होगा वो डाल देना, उसके बाद आप जिस भी डेट को ज्वाइनिंग लेंगे वो डाल देना, उसके बाद के फलस्वरूप में आज दिनांक इतना को इस विभाग में योगदान दे रहा हूँ, अतः श्रीमान से नाम निवेदन है कि मेरे योगदान के आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा प्रदान करें, अतः मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँ। इस तरह से आप भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये योगदान पत्र हो गया। उसके बाद बताते हैं दोस्तों कि अभी जो बहुत सारे विभाग में ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बताया गया है कि वो बताते हैं आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वैशाली का टीम के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जितने भी हमारे वैशाली जिला के संबंधित अभ्यर्थी है उनको सूचित किया जाता है कि कल यानी 10/4/2022 दिन रविवार को पीआरडी डायरेक्टर रंजीत सर से उनके पैतृक आवास चक सिकंदर वैशाली से मिलने का प्लान बनाया गया है, जिसमें आप सभी वैशाली जिला के अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ बताया गया दोस्तों जिससे उनसे मिलकर एक बार फिर से आग्रह किया जाए कि पंचायती राज विभाग ने नया सृजित 8067 डीओ की पोस्ट को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाए। दोस्तों आपको बता दो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और 8067 पोस्ट के लिए नियुक्ति के लिए मांग कर रहा है। ये जो आपको दोस्तों ये किससे मांग कर रहा है दोस्तों कि ये वैशाली, दोस्तों आपको बता दो 8067 पोस्ट की जो जल्द से जल्द बहाली होगा उसका सारी जिम्मेवारी रंजीत सर को दिया गया है जो वैशाली के है पीआरडी डायरेक्टर है, ठीक है दोस्तों, ये पीआरडी डायरेक्टर है और इसी के हाथ में है कि कब तक में न्यू रजिस्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर बताते यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर के बारे में आया है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिहार सरकार का उपक्रम, यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है अरविंद कुमार, उसके बाद विकास कुमार, उसके बाद प्रीति बाला कुमारी, प्रीति बाला कुमारी है, उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम मेंशन किया गया, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मेंशन किया गया, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दिया गया, उसके बाद कैटेगरी दिया गया दोस्तों, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे दिया गया है प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे आपका मतलब पोस्ट किया गया, उसके बाद यहाँ पे जो है अरविंद का बॉक्सर में किया गया है, उसके बाद विकास कुमार है उसको दोस्तों औरंगाबाद में सोनबरसा में किया गया है, उसके बाद प्रीति बाला कुमारी जो है इसको रोहतास में किया गया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से उसके बारे में सारे निर्णय लिया गया किस तरह से आपको रोटी करना है कैसे सैलरी मिली उसके बारे में यहाँ पर नीचे में बताया गया है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दिखाते हैं अगले ज्वाइनिंग के बारे में। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो है 5/4/2022 का ज्वाइनिंग लेटर है, उसमें दो स्टूडेंट का नाम आया हुआ था। यहाँ पर है
चेतना कुमारी, उसके बाद शुभम कुमार सिन्हा है, ठीक है, उसके बाद फादर सिनेमा, उसके बाद कहाँ पोस्टिंग है उसके बारे में दिया गया है। चलिए आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिहार विधानसभा, जो विधानसभा सचिवालय होता है उसमें डाटा ऑपरेटर की मांग की गई है, ठीक है दोस्तों। ये जो है 8 मार्च 2022 की गई है। बिहार विधानसभा सचिवालय में सर्वावधि तक एक प्रोग्राम एवं 10 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की संबंध के बारे में दिया गया है। इसको जल्द से जल्द अभियोचना के बारे में बताया गया है दोस्तों। आप अगर पास आउट कैंडिडेट है तो आप अपना ईमेल आईडी चेक करते रहे, और ऑफलाइन भी आपका ज्वाइनिंग हो रहा है तो आपका कॉल आता है तो आप ज़रूर ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए जाइए, ठीक है दोस्तों। और ये बता दूँ दोस्तों कि नए पोस्ट आपको जो 8067 है वो आपको अप्रैल और मई में देखने को मिल सकता है दोस्तों। आप खुद पे विश्वास रखिए और तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों, जिससे आप अच्छा से अच्छा मार्ग ला पाएंगे, ठीक है दोस्तों। जो भी अपडेट आएगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन बेल्ट्रॉन से दिया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब।